Hello, welcome back to my channel House to Home and very good evening. और आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ जो डिनर, उसमें मैं बना रही हूँ पोटल्स, कुछ लोग इसे परवल भी बोलते हैं. तो आलू पोटल्स ड्राई जो सब्ज़ी है वो मैं बना रही हूँ. तो पोटल्स जो है मैंने काट लिए हैं. अब मैं काट रही हूँ आलू, और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने, मीडियम साइज़ में रखूँगी मैं इनको. उसी साइज़ में मैंने पोटल्स को भी काटा है, और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, मुझे तो बहुत पसंद है. बच्चे थोड़ी सी आनाकानी करते हैं लेकिन खा लेते हैं. सब्ज़ी के साथ साथ मैं बना रही हूँ थोड़ी सी खिचड़ी मेरी छोटी बेटी के लिए, क्योंकि उसका पेट थोड़ा अपसेट है. तो मैं बना रही हूँ मूंग दाल चावल की खिचड़ी. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी मैं इसमें. बनाने से पहले मैं चावल और दाल को अच्छे से धो लूँगी, और इसको दो तीन बार मैं पानी से निकालती हूँ ताकि उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं वो साफ हो जाए. और ये जो है मैं घी का तड़का लगाऊंगी खिचड़ी को. खिचड़ी में घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है, उसमें मैं कोई ऑयल नहीं यूज़ करती, देसी घी का तड़का लगाती हूँ. और मैं जो है तड़का वो खिचड़ी चढ़ाने से पहले ही लगा देती हूँ. कुछ लोग बाद में लगाते हैं बट मैं पहले लगाती हूँ. तो मेरा घी जो है गर्म हो रहा है एक साइड पे, तो मैंने अपनी सब्ज़ी की भी साथ साथ कढ़ाई चढ़ा दी है, वो भी गर्म हो जाएगी. क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ सब्ज़ी के लिए, और मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा टाइम लगता है हीट होने में, उसको जलाना पड़ता है. तो यहाँ मेरा घी जो है गर्म हो चुका है. अब मैंने इसमें जीरा डाला है, नमक डाला है, और बिल्कुल थोड़ी सी जो है मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ. अब जो दाल और चावल मैंने धो के रखे थे वो भी मैं कुकर में डाल दूँगी, और अंदाजे से थोड़ा सा पानी. तो अब कुकर को मैं पीछे के बर्नर पे रख दूंगी और सब्ज़ी को आगे के बर्नर पे शिफ्ट कर लूंगी, क्योंकि आगे का जो मेरा बर्नर है वो बड़ा है. जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है मैं अपनी जो आसपास की चीज़ें हैं उनको अपनी जगह पे रख देती हूँ. ये मेरी शुरू से ही आदत है, ताकि काम जो है जल्दी ख़त्म हो जाए, फैले भी नहीं ज़्यादा किचन. ऑयल अभी हीट हो रहा है तो आटा भी मैं गूंदने वाली हूँ. अभी मेरी बेटी आई है, अपनी फ़ोटोज़ दिखा रही है उसके बर्थडे पार्टी की, बहुत खुश है अपनी फ़ोटोज़ को लेके, बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं, और साथ साथ मेरे से बातें करती जा रही है खड़े होकर. थोड़ा सा शाही हैं बच्चे, कैमरा के आगे आना पसंद नहीं करते हैं, तो जैसे ही मेरा कैमरा ऑन होता है बच्चे पीछे भाग जाते हैं कि कैमरा ऑन हो गया करके. तो मैं एप्रन डाल लेती हूँ आटा गूंदने के टाइम पे, क्योंकि कपड़ों पे लग जाता है आटा इसलिए. और अब मैं जो है सब्ज़ी को तड़का लगा रही हूँ, जिसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, राई, हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी, और डालूँगी मैं धनिया पाउडर और नमक मिर्च हल्दी तो डलता ही है मसालों में. तो अगर आपके पास अमचूर है लास्ट में आप पसंद करते हैं डालना, तो आप अमचूर पाउडर ज़रूर डाल लीजिए, लेकिन मेरा ख़त्म था इसलिए मैंने नहीं डाला लास्ट में. और ये मेरी बड़ी बेटी है जो अपनी चॉकलेट्स बर्थडे पे उसको जो गिफ्ट में मिली थी उनको एक डब्बे में डाल के रख रही है. तो सब्जियां पोटल्स जो है मैंने डाल दिए हैं,
और पानी आलू का भी निकाल के उसको बाउल में रख लिया है। तो कोशिश कर रही है कहीं छुपा दूं ताकि छोटी बहनों को ना मिले, क्योंकि मेरी छोटी बेटियां चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उनको दिखने से वो पूरी खा लेंगी, इसीलिए ये छुपाने में कहीं लगी हुई है। तो बोली मम्मी आप ही कहीं छुपा देना। और मैं थोड़ी सी अब इसमें कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ ड्राई वाला, ताकि थोड़ा फ्लेवर अच्छा आए सब्जी का। और बर्तन जो है मैं साथ के साथ पानी से निकाल के रख देती हूँ, मेरी कोशिश होती है कम से कम बर्तन जो है यूज़ हों। और ये जो मैं अब कर रही हूँ आप देख सकते हैं, एक पेंसिल शार्प करने की चक्कू से कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बेटी को शार्पनर नहीं मिल रहा तो बोल रही है कि मम्मी आप पेंसिल चक्कू से मुझे शार्प करके दो। तो मैं बोल रही हूँ बेटा वो बचपन में करते थे, अब हमसे ये सब कहाँ होगा, और मेरे हाथ भी गीले थे और पेंसिल बहुत छोटी लेके आई थी, तो मैंने उसे भगा दिया कि जाओ शार्पनर ढूंढो और उसी से काम करो अपना, ये हाथ वाथ पे मत लगा लेना। तो अब मैं आटा गूंद रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी फिंगर रिंग्स निकाल दी हैं, ताकि आटा उनमें भी नहीं जाए और रिंग्स में अगर कुछ गंदगी हो तो वो आटे में ना जाए। तो मेरे कुकर की विजिल्स आ रही हैं जिसे मैं हाथ से बंद कर रही हूँ बार बार, और मेरा आटा भी जो है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट होने ही वाला है। तो आटे गूंदने के बाद में अगर आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो आपका जो आटा है बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें कुछ भी और डालती नहीं हूँ, ना ही ज़रूरत पड़ती है मुझे, मेरा आटा बहुत सॉफ्ट गूंदता है हमेशा ही। और मेरा आटा ऑलमोस्ट हो चुका है और मेरी खिचड़ी भी जो है बन चुकी है, गैस ऑफ कर दी है मैंने। तो बस अब इसको इसी बाउल में मैं निकाल लूँगी आटे को, और अच्छे से कवर करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, जब भी मुझे रोटी बनानी होगी तभी मैं इसको निकालूँगी फ्रिज में से। तो इतना आटा जो मैं गूंदी हूँ ये मेरा एक दिन निकल जाता है इससे पूरा, जैसे रात की रोटी बनाऊंगी सुबह बच्चों का टिफिन वगैरह में हो जाता है, तो फिर शाम को मैं फ्रेश आटा गूंदती हूँ। तो मैं उतना ही गूंदती हूँ कि मेरा सिर्फ एक दिन पूरा निकले। तो अभी मैं अपनी जो रिंग्स हैं उसे वापस डाल रही हूँ हाथों में, और जब तक मेरा सब्जी हो रही है मैं अभी ये चॉकलेट छुपाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ रखूँ। तो मुझे यही जगह ठीक लगी क्योंकि बहुत ऊपर है, मेरा ही हाथ नहीं जाता तो बच्चों का भी नहीं जाएगा। और अब मैं साथ साथ जो है शेल्फ क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि खाना मेरा बन चुका है, ये लास्ट काम होता है कि किचन की शेल्फ फाइनली क्लीन करना। तो पहले मैं गीले कपड़े से अच्छे से पूरा साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक ड्राई क्लॉथ लेके साफ और सूखा कपड़ा लेके उसके साथ शेल्फ क्लीन करती हूँ। उससे क्या होता है कि वो निशान भी नहीं पड़ते हैं शेल्फ के ऊपर गीले कपड़े के, और शेल्फ भी बहुत जल्दी सूख जाता है। खाने का काम ख़त्म हो चुका है, और सुबह में मैंने अदरक और ग्रीन मिर्ची जो है साफ करके धो के रखी थी, जिसको सुखाने के लिए मैंने रख दिया था। अब उनको मैं बॉक्सेस में पैक कर रही हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होगी निकाल के मैं सब्जी बनाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो अदरक को भी मैं धो लेती हूँ क्योंकि बहुत मिट्टी होती है, तो उसको फिर बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीन मिर्ची को भी मैं ऐसे ही करती हूँ, उसकी डंडियाँ निकाल के उसको पूरा अच्छे से धो के सुखा के रख लेती हूँ, ताकि आप बस निकालें और काटें, आपको बार बार इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बचता है इससे तो, और पानी भी बचता है कि एक ही बार आपने इसको धो के रख लिया। बस अब इन दोनों को मैंने स्टोर कर दिया है। सुबह में मैंने कड़ी पत्ता और हरा धनिया जो था इसी तरह काट के बॉक्स पैक किया था, और टिश्यू रोल्स मैं टिश्यू पेपर्स मैं इसलिए लगा लेती हूँ ताकि जो है ज़्यादा देर चल जाए, हफ्ता 10 दिन आराम से निकल जाता है और बिल्कुल ख़राब नहीं होती है सब्ज़ी। और अब मैं जो है दूध बॉईल करने रख रही हूँ, सुबह मैं दूध मंगवाया था उसको मैं अब बॉईल कर रही हूँ।
तो दूध मैं पैन में डालने से पहले उसमें पानी डाल लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि दूध नीचे लगे नहीं, क्योंकि ये स्टील पैन है, इसमें दूध नीचे लगने का डर रहता है, जलने का डर रहता है। तो खैर ये मेरी शुरू से आदत है, स्टील या दूसरा कोई भी बर्तन हो, मैं जब भी दूध बॉयल करने रखती हूँ तो पानी ज़रूर थोड़ा सा डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ा, मिलावट वाला काम नहीं करती हूँ जस्ट सेफ्टी के लिए। और क्योंकि दूध मैं सुबह लेके आई थी तो अब उसमें मलाई जो है वो अंदर जम चुकी है, तो अगर ऐसा होता है तो आप ज़ोर से उसको एक बार शेक करके पैकेट को खोलिए तो बिल्कुल मलाई जो है निकल आती है। और खिचड़ी मेरी जो है मैंने साइड पे रख दी है, उसी बर्नर पे मैं दूध चढ़ा दूंगी, क्योंकि वो छोटा बर्नर है पीछे का, मैं उसको कवर कर दूंगी ताकि उसमें कुछ गिरे नहीं, सेफ रहे, साफ रहे। और सब्जी भी मैं एक बार अपनी चेक कर लेती हूँ। सब्जी भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार है और दूध भी मैंने स्लो पे रख दिया है, आप देख सकते हैं मेरी सब्जी बिल्कुल तैयार है और बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं आलू थोड़ा मैश करके देख रही हूँ कि हो चुके हैं तो मैं गैस ऑफ कर दूँ। बस मेरा खाना और किचन का काम ख़त्म है, खिचड़ी और सब रेडी है मेरा। तो ये काम तो मेरा हो गया है और अब मैं जाऊंगी अपने रूम में, ताकि रूम को भी थोड़ा ठीक कर लिया जाए। आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हैं बेडशीट्स मैं कहाँ से लेती हूँ, तो ये जो बेडशीट मैंने डाली हुई है ये होम सेंटर की है, लाइफस्टाइल होम सेंटर। और अभी तक की मेरी मोस्टली सारी बेडशीट्स होम सेंटर या होम टाउन से ही ली हुई हैं मैंने, क्योंकि मैं फिटेड बेडशीट यूज़ करती हूँ, इलास्टिक रहता है उनके साइड्स में और वो टिके रहते हैं मैट्रेस पे, बहुत अच्छी रहती हैं। आप ज़रूर ट्राई करिए अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो मुझे प्लेन बेडशीट्स बहुत पसंद है, इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि मेरे घर में ज़्यादातर प्लेन बेडशीट्स ही होती हैं। और अब जो है मैं अपने बालों के साथ लगी हुई हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपने बालों से, इतने कर्ली हेयर्स हैं कि बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, और मैं बालों को लेके इतनी ज़्यादा लेज़ी हूँ कि मैं उनको बहुत जल्दी से कोम नहीं करती हूँ, पूरा दिन बिना कोम के बिता लेती हूँ, और जब करती हूँ तो इरिटेशन शुरू हो जाती है, उलझे होते हैं बाल। तो अब मैं बालों में जो है सीरम लगा रही हूँ, और सीरम जो है कभी भी लेंथ पे लगाना चाहिए, पूरे बालों में जो है लेंथ पे लगाइए, आप कभी भी स्कैल्प पे सीरम मत यूज़ करिएगा। तो ये जो होता है डिटेंगल करने के लिए होता है, ताकि बालों में ज़्यादा बाल आपस में अटके नहीं, जो उलझे नहीं, इसलिए होता है। और जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा कर्ली हैं या ड्राई हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो अगर आपको चाहिए तो मैं इसी सीरम का लिंक आपको दे दूंगी, बट मार्केट में बहुत तरह के अलग अलग हेयर्स टेक्सचर को लेकर सीरम्स आते हैं, तो आप अपने हेयर टेक्सचर के हिसाब से लीजिएगा। तो बस मेरी कोम हो चुकी है और जो बाल हैं वो टूटे हुए, मैं अपने एक छोटा सा डस्टबिन आप देख रहे हैं क्यूट सा पड़ा है मेरे ड्रेसिंग टेबल पे, उसमें डाल रही हूँ, नीचे नहीं फेंकूंगी, क्योंकि बाल जो है पूरे घर में अच्छे नहीं लगते हैं और मेरे तो पूरे घर में लेडीज ही ज्यादा हैं। बस अब मेरे बालों का काम हो गया है, मेरा खाने का काम हो गया है, और अब बस मैं फ्रेंड का वेट करूंगी, वो आएगी तो मैं बाहर जाऊंगी। और अब थोड़ा सा टाइम मैं रिलैक्स करके बैठना पसंद करूंगी, हम कुछ भी करें थोड़ा टाइम अपने आप को ज़रूर देना चाहिए पूरे दिन में। और जब भी आप रिलैक्स होते हैं प्लीज़ एक पानी की बोतल लेके बैठिए, जितना हो सके आप पानी पीजिए दिन में, पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से
बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, तो कोशिश करिए जितना हो सकता है पानी पीजिए। और फ्रेंड मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी डिफरेंट करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर करिए। कभी ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब भी हम उनसे कुछ अलग करना चाहते हैं या करने लगते हैं तो वो लोग हमें हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकते हैं तो उनको लगता है कि ये कैसे कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको दुनिया से अलग कर निकलना ही पड़ता है, कुछ अलग करना ही पड़ता है। अगर आप भेड़ चाल में चलेंगे तो वो बहुत खुश रहते हैं, और अगर आप उनसे कुछ अलग करेंगे, उनसे अलग होके कुछ करना चाहेंगे तो उन लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि आपको नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव बातें सुननी पड़ सकती हैं। तो इसलिए अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में तो आप बिल्कुल केयर मत करिए उन चीज़ों की, क्योंकि अगर आपको ऐसा सुनने को मिल रहा है मतलब आप कुछ अचीव करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। बाय, सी यू।